नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबासपुर में और आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त मैं यहाँ पे अजय चौधरी जो कि बारली विधानसभा में जो विधायक हैं उनके कार्यालय में मौजूद। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, इन्होंने जो नेशनल जो चैम्पियनशिप हुई है जो बोर्ड की 9th नेशनल ड्रैगन रेस चैम्पियनशिप जो हुई है चैम्पियनशिप, उनमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी से ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, जिससे इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है। सीधा हम जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना है उनका, जो उनके जो प्रतियोगिता में जो उन्होंने भारत का जो नाम रोशन किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने जो देश का जो एक नाम रोशन किया है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या प्रतियोगिता थी, क्या मंजर था, ज़रा दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम आशीम इद्रिशी है और मैं दिल्ली की तरफ से 9th ड्रैगन बोट नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल में 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और वहाँ पे 25 स्टेटों की टीम आई हुई थी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों से मैं इन सब से स्ट्रगल करके जब जाके मैंने यह मेडल हासिल किए हैं। और क्या एक मानसिकता बनी हुई थी कि जिस तरह से जो हमारा जो युवा देश है वहाँ पे जो एक जितने भी युवा हैं एक अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, जैसे मैं बात करूँगा एक नशे के प्रति ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन उसको भूल करके एक जो देश के लिए जो आपके एक लगन थी तो उसका जो आपने एक तरीके से जो आप लोगों के सामने जो मेडल है, इन लोगों जो आपने जो मेडल जो पहने हुए हैं, ये मेडल पहन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है रेसलिंग में और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली ने, रिश्तेदारों ने और मेरे आसपास के सर ने, जैसे विधायक सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे और मैं ये चाहता हूँ इनका आशीर्वाद मेरा हमेशा ही ऐसे ही बना रहे। एक जब हम कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखाई देता, लेकिन आज जो आप मुकाम पे जो आए, जो आपने देश का जो एक हासिल किया है, एक जो मुकाम हासिल किया, जो देश का नाम रोशन किया है, तो आप एक थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा वो जो आपने स्ट्रगल जो महसूस किया कुछ परीक्षा में, जो कुछ स्ट्रगल हो थोड़ा सा हमें कहानी बताइए। जब सुबह 4 बजे उठ के ठंड में प्रैक्टिस किया करते थे पानी में, सुबह जब कोरोना काल में बंद हो गया था हमने घर पे प्रैक्टिस की, मेरे पापा ने जब बहुत सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तू कर सकता है, मैं घर पे ही प्रैक्टिस करा करता जब कोरोना काल में सब कुछ बंद था, मास्क वगैरह सब लगा के हम घर पे ही प्रैक्टिस किया करते थे, सुबह 4 बजे जाना, जब इतनी स्ट्रगल के बाद हमने हासिल किया, इसमें बहुत सपोर्ट किया मेरे फैमिली ने। जो आपको युवा देख रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो भी जो एक बोटिंग की प्रतियोगिता में आना चाहते हैं और आपको देख करके जो प्रेरणा ले रहे हैं, कैसे वो भी चाहकर एक मेडल ला के देश का नाम रोशन करें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ही चाहता हूँ जो आजकल के युवा नशे पत्ते में लग रहे हैं उन सबको, उन सबसे दूर रहकर जैसे नए युवा है उन्हें ही आगे चल के उन्हें ही भविष्य बनाना है, तो नशे पत्ते को छोड़ के खेल में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें, तभी हम अपने देश का, अपने जगह का, अपने घर का नाम रोशन कर पाएंगे। हमारे साथ अजेश यादव जी जो कि विधायक है बारली विधानसभा से, उनसे भी जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अभी इनका हार्दिक अभिनंदन किया, ढोल और नगाड़ों से जो युवा का जो स्वागत किया, उस बारे में उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले अजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, जो एक बच्चे के गले में जो मेडल दिखाई पड़ रहे हैं और आपने अभी इनका हार्दिक अभिनंदन किया, इनको शॉल से स्वागत किया, तो कितना आपको अभी अच्छा महसूस हो रहा है? नहीं देखिए, अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे देश में सभी गेम की तरफ जो है एक रुझान शुरू हो गया, और आज से 2 दिन पहले भी मैं यमुना पे था और वहाँ BSF के गेम चल रहे थे और साथ में दिल्ली ओलंपिक्स का भी पार्ट था वहाँ, तो मैंने देखा वहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और असीम इद्रिस है मेरे दोस्त के छोटा मेरा भाई है पहलवान, इनका बेटा है और इसने 4-4 मेडल टीम के साथ भी जीते, खुद भी जीते, तो ये बड़ी खुशी होती है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तो इसलिए है कि दिल्ली एक पहला ऐसी राज्य बनने जा रहा है जहां स्पोर्ट्स में आपको डिग्री मिला करेगी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब खेलने कूदने को, पहले माँ बाप पेरेंट्स कहते थे बेटा खेलो मत पढ़ लो, अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना के अब दिल्ली के बच्चों को माँ बाप कहेंगे बेटा खेलो, क्योंकि आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री भी, यहाँ तक कि आपको डॉक्टरेट की, PhD की डिग्री भी जिस गेम को खेल रहे हो उसमें मिलेगी और उससे रोजगार भी मिलेगा, और ये एक कदम उस तरफ बढ़ रहा है जो बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं।
जैसे कि हरियाणा से भी जो एक एक मेडल की जो श्रेणी होती है, बट जैसे रेसलिंग की बात की जाए किसी और प्रतियोगिता की, तो क्या लगता है कि हरियाणा से ज़्यादा मेडल जो आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं दिल्ली का इसमें थोड़ा उसको मैं नीचे रखूँगा, लेकिन क्या लगता है कि ऐसे जो युवा जो एक एक मिसाल बनते हैं जिस तरीके से जिन्होंने जो नाम जो रोशन किया, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, क्या लगता है कि बादली से आने वाले टाइम में और कितने युवा ऐसे देश का नाम रोशन करेंगे? अभी देखिए जैसे इनका गेम है तो बलसवा लेक जो है वो कुछ मजबूरी है हमारी, वहाँ जो है लेक की सफाई नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ कॉलोनी का और थोड़ा सा इस तरह का माहौल है। लेकिन अभी डीएम के साथ मेरी मीटिंग हुई थी और उसको जो है लेक को भी हम साफ करवा रहे हैं और बच्चों के लिए नई बोट की अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से करा रहे हैं और इनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम तो खुद ही बादली विधानसभा में आगे से इनका इवेंट कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पे जो युवा है इनके फादर साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि एक बेटे के गले में सबसे पहले तो जो ये मेडल देख रहे हैं, ये भी नहीं बोलूँगा एक मेडल यहाँ पे आप ज़रा सा पकड़ के थोड़ा सा दिखा दीजिए, इनके पास दिन देख सकते हैं कि पांच पांच मेडल है। तो इनके फादर साहब से पूछते हैं कि कितना इस समय वो एक महसूस कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी इससे ज़्यादा क्या खुशी होगी बाप के सामने अगर बेटा मेडल ले आए, हमारी मेहनत और बच्चे की मेहनत तो कामयाब हो रही है, पूरे क्षेत्र ने सहयोग दिया है और हम बच्चे से बहुत मेहनत करा रहे हैं, हमारी तो यही ख्वाहिश है च्वाइस है ऊपर वाले से कि ओलंपिक में लड़का मेडल लाए और देश का नाम रोशन करे। हमारे साथ यहाँ पे सुरेश जी भी मौजूद है जो कि आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता है, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है जो उनके साथ जो युवा खड़े हैं उनके जो गले में जो माला भी है और आप देख सकते हैं पूरा नोटों से भी उनको सजाया हुआ है एक तरीके से और मेडल भी है, तो कितना आप अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं उनके साथ में आप खड़े हैं, तो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए हमारे लिए पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की विषय है कि एक एक बालक हमारे यहाँ से पाँच पाँच मेडल लेकर आ रहा है, ये उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे वार्ड नंबर 20 के लिए, हमारी विधानसभा के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और मैं इनको बहुत शुभकामना देता हूँ, साथ में इनको ये आज मैंने वादा भी किया है कि भैया जो भी हमसे मदद हो सकती है हमारे विधायक जी से हमसे, हम पूरी तरह से इनको स्पोर्ट्स में जो भी है हेल्प उनकी हेल्प करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग आम आदमी पार्टी जो लिबास में जो कार्यालय है वहाँ पर आए थे और यहाँ पे अजेश यादव जी ने, सुरेश जी ने और जो युवा जो जीते हैं उनके फादर भी मौजूद है और यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद है, सब ने जो एक युवा का एक हौसला बढ़ाया कि कितना उन्होंने अच्छा किया देश के लिए जो नाम रोशन किया है। तो ऐसे ही आगे आगे मौके आएंगे, तो अभी आप पांच मेडल देख रहे हैं तो आने टाइम में ये डबल भी हो सकते हैं और हमारी यही उम्मीद है कि ये आगे जाके भारत का नाम ऐसे ही रोशन करे। तो आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप सारी खबरों से आप ठीक से रूबरू हो पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभिश सैनी, देखते रहिए डबल ए न्यूज़।